हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आइए देखते हैं आज घर में क्या क्या हो रहा है। तो सुबह सुबह होते ही शुभम और ये मोबाइल की शॉप पर कुछ एक्सेसरीज खरीदने गए हैं। तो साथ में मैंने इनसे बोला था अगर आप लोगों को मेरा बैक कवर मिल जाए तो वो ले आइएगा। तो बकायदा पूरा होलसेल की शॉप जाना पड़ा इन लोगों को, तब मेरा कवर मिला है। क्योंकि मुझे हल्का सा डिज़ाइनर कवर चाहिए था तो वो आम शॉप्स पे नहीं मिल रहा था। और ये देखिए पूरा मार्केट है। शुभम बाइक चला रहा है, ये बाइक है उसकी। और उसके बाद यहाँ पे गन्ने का जूस लिया मम्मी ने, तो ये भैया इतने स्वीट थे ना, बिल्कुल मतलब जैसे शुगर निकल रही थी इनके मुंह से, ऐसे बातें कर रहे थे ये। और काफ़ी मीठा जूस, मतलब ये सीज़न चल रहा है जूस पीने का, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। विहान और मम्मी देख रहे हैं कि विहान एक्चुअली इंटरेस्ट से देख रहा है कि कैसे जूस निकाला जा रहा है। और यहाँ पे ये लोग मार्केट से मेरे लिए जो मैंने चश्मा बनवाया था वो ले आए हैं, तो मुझे तो अपना चश्मा बहुत अच्छा लगा है। देखिए ये सैलेड आ गया है यहाँ पे, टमाटर प्याज खीरा नींबू के साथ, नींबू और काला नमक। मम्मी ये क्या है? ये बैम्बी पूड़ी। बैम्बी पूड़ी, यहाँ इनके अंदर फिलिंग क्या होती है? मसाले की फिलिंग है। नींबू का खट्टा मीठा अचार है, रायता है और ये आलू की झोल की सब्जी है। तो चलिए मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ एग्जीबिशन लगती है अलीगढ़ में, तो शुभम जो हम लोग तो आ नहीं पाए थे, मन तो बहुत था पर विहान के एग्जाम से तो उस चक्कर में आ नहीं पाए थे, तो ये उसके लिए कुछ टॉय लाया है तो अब उसे दे रहा है, तो और चलाना सिखा रहा है कि देखो कैसे चलता है ये। तो वही सब यहाँ पे हंसी खेल चल रहा है और मोनिका इसकी मदद करेगी कैसे चुपकेगा ये। इसको तो मतलब बस नानी के घर आ जाओ तो बस यही तफरीबाजी चलती है, क्योंकि ना पढ़ाई का होश रहता है ना मतलब उसे बच्चे भी नहीं चाहिए। अब मतलब जो उसकी सोसाइटी में बच्चे रहते हैं वो भी नहीं चाहिए, बस उसे यही है, मामा के पीछे पीछे लगा रहता है कि जो मामा करेंगे वही करेगा। शॉप जाना, शॉप से आना और देखिए इसे चलाना आ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। तो वही मेरा भाई इसे सिखा रहा है कि किस तरीके से चलाना है इसका। और ये एग्जीबिशन से लाया है इसके लिए तीर कमान, और एक और है इसमें एक वो रहता है तलवार भी थी। और उसके बाद पापा और ये, मुझे एक्चुअली एक ट्रेंडिंग पायल चाहिए थी, तो मैंने बहुत देखा था इंस्टाग्राम पर, तो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा पापा आप ज्वेलरी शॉप पर जाओ मेरे लिए वो वाली पायल लेकर आओ, मुझे चाहिए, मतलब किसी भी हाल में चाहिए। और ये देखिए वो लोग लेकर आ गए हैं और आते ही मैंने पहन ली है। तो बहुत हल्की पायल है पर बहुत सुंदर लग रही है पैर पर, और डेली वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। तो सब लोग ऊपर चले गए हैं मुझे छोड़कर, मैं अकेली नीचे बैठी हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि अरे कहाँ हैं सब लोग, तो चलिए हम भी चलते हैं। और बहुत दिनों बाद अपनी घर, देखो ये देखो भाभी है मेरी और इधर है शुभांक। तो ये सब बिल्कुल चेंज कर दिया है सब। ये है हमारी बचपन की खेलने वाली छत, और ये है रौनित जो उड़ा रहा है पतंग। रौनित तुम्हारी पतंग कौन से कलर की है? पर्पल कलर की है। तो बस इसे सब उड़ाते हुए देख रहे हैं। और ये देखिए ये पूरी छत है, ये थोड़ा लकड़ी का आइटम रखा हुआ है। ये आगे का हिस्सा है। अच्छा ये पापा बोल रहे थे कि मैंने दो टंकियां रखवाई हैं, तो ये हैं गंगा की टंकियां दो। गर्मियों में थोड़ा पानी की प्रॉब्लम होती थी, इंडिपेंडेंट हाउसेस होती ही है पानी की समस्या, तो वही पूरा वायर वगैरह पता नहीं किस चीज़ का जा रहा है, शुभम जानता होगा। मज़ा आ रहा है? ये टाइल कैसे रखे हुए हैं? अच्छा पहले से ही रखे हुए हैं। अच्छा आइए देखते हैं श्वेता क्या कर रही है। आलू छिले जा रहे हैं। हाँ, आज आलू प्याज के पराठे बनेंगे। उधर देखो मामा पढ़ा रहा है बच्चों को।
फिर उसके बाद जाएगा शुभांग स्कूल। गुड, बिहान भैया से भी हम बहुत टफ सवाल पूछेंगे। आंटी काम कर रही है, पोछा लगा रही है। बिहान भैया बताएंगे आप। बिहान भैया यहाँ खेलने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। पापा बोले हैं कि चलो सब तंबोला खेलते हैं और इस बार पैसों से खेला जाएगा। और मेरी तो हालत इतनी खराब है कि पता नहीं क्या लग चलेगा। तो ये सब काउंट कर रहे हैं कि सारे नंबर्स हैं कि नहीं इनके पास। और मुझे एक चिट दे दी गई है तंबोला। आप लोग बताइएगा किस किस ने तंबोला खेला है। मुझे तो ये गेम बहुत पसंद है, पर जहां बात पैसों की आती है वहां तो भैया फिंगर क्रॉस ही करनी पड़ती है। और साइड से मम्मी जो है ये बना रही हैं दही बल्ले। हाँ, दही बल्ले बना रही हैं ये। माय गॉड, मम्मी तो खिला खिला के मोटा ही कर देंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर गेम खत्म हो चुका है और थोड़ा जीती भी हूँ थोड़ा हारी भी हूँ। और चलिए फिर मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलती रहूँगी इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।